हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड में। सो हमेशा की तरह आज भी एक नए स्कॉलरशिप के साथ आप सबके सामने मैं प्रस्तुत हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्कॉलरशिप। आज का स्कॉलरशिप है हमारा सारला देवी स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स इन क्राइसिस 2019। यानी कि ये स्कॉलरशिप ऐसे लोगों को दिया जाएगा जिनको वाकई में स्कॉलरशिप की ज़रूरत है, यानी कि जो फाइनेंशियली बैकग्राउंड एरिया से हैं, यानी कि किसी कारणवश या तो फिजिकली चैलेंज है या उनको कैंसर है या उनके माता पिता नहीं हैं या फिर अनाथ है। तो ऐसे लोगों को स्कॉलरशिप देने के लिए एक ट्रस्ट काम कर रही है जिसका नाम है धर्मपाल सत्यपाल चैरिटेबल ट्रस्ट, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डीएस ग्रुप। एक चल रहा है जो कि स्कॉलरशिप देने का काम कर रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं इसका डेडलाइन है 31 मार्च 2019, यानी कि इसके बाद आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। सो लास्ट डेट है ऑनलाइन फिलअप करने का 31 मार्च 2019। अवार्ड अप टू 10,000, यानी कि 10,000 तक का स्कॉलरशिप आपको दिया जाएगा। और जो एलिजिबिलिटी की बात की जा रही है तो स्टूडेंट्स इन क्राइसिस, मतलब इसके लिए कोई पार्टिकुलर आपका क्वालिफिकेशन नहीं है, किसी भी स्टूडेंट्स को ये दिया जा सकता है अगर वो क्राइसिस में है तो। रीजन की बात की जाए, मतलब इंडिया के किस भाग में ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। मतलब अगर आप इस स्टेट में रहते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, अगर आप इस स्टेट के डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका है तो आपको स्कॉलरशिप यहाँ का दिया जाएगा। अब आते हैं कि बेनिफिट्स क्या है, यानी कि जो टोटल स्कॉलरशिप है वो 100 स्कॉलरशिप दिया जाएगा 10,000, मतलब टोटल 100 स्कॉलरशिप दिया जाएगा और एक ईच स्कॉलरशिप जो होगा वो होगा 10,000 का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी को अच्छे से समझ लेते हैं। तो जो एलिजिबिलिटी की बात आती है तो इनकम की आती है, यानी कि फैमिली इनकम, एनुअल फैमिली इनकम, मतलब कि साल में जो आपका पूरे फैमिली का जो इनकम होगा वो 4.5 लाख यानी कि 4.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या उससे कम भी होगा तब पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एनी स्ट्रीम स्टूडेंट्स, मतलब कि आर्ट, साइंस, कॉमर्स, कोई लेना देना नहीं, आप किसी भी स्ट्रीम से हो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देश में पहली बार एक स्कॉलरशिप आपको देखने को मिल रहा है जो कि किसी भी स्ट्रीम के बंदे अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं कि क्या क्या मेन फीचर्स है इसका, तो चलिए देखते हैं। सिंगल पेरेंट वार्ड, अगर आपके फैमिली में, मतलब कि केवल मदर नहीं है, ओनली मदर ही है और पेरेंट्स नहीं है, पेरेंट्स में पापा नहीं है, तब अप्लाई कर सकते हैं आप। ऑर्फन, यानी कि आप अनाथ हैं, आपके माता पिता नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकली चैलेंज, मतलब कि आप फिजिकली चैलेंज हैं, मतलब कि आपके बॉडी जो है ठीक तरह से काम नहीं कर रही है, चाहे जैसे भी हो फिजिकली चैलेंज हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंसर पेशेंट और डिसीज्ड पेरेंट वार्ड, मतलब कि अगर कोई कैंसर पेशेंट है आपका फ्रेंड हो, जो भी हो, वो अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। क्रोनिक इलनेस, मतलब कि बोथ कैंडिडेट एंड इमीडिएट फैमिली, मतलब कि अगर किसी कैंडिडेट का, मतलब कि अगर जो कैंडिडेट है उनका क्रोनिक इलनेस है, मतलब उनके या फैमिली में किसी को भी है, तो अप्लाई कर सकते हैं। मतलब देखा जाए तो एक क्राइसिस ही है, तो ये क्राइसिस वाले लोग ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं कि डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे इसके लिए। डॉक्यूमेंट्स है लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, साथ ही साथ प्रीवियस मार्कशीट, बस मार्कशीट लगेगा। जो आप जो भी हो, जो भी स्कूल में हो, जो भी स्ट्रीम में हो, जो भी कॉलेज में हो, प्रीवियस मार्कशीट आपका लगेगा और इनकम सर्टिफिकेट आपका लगेगा, साथ ही साथ एडमिशन लेटर अगर आप कहीं भी अप्लाई करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, और साथ ही साथ आइडेंटिटी प्रूफ और आधार। तो ये था सारला देवी स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जो कि बहुत बड़ा स्टेप उठाया जा रहा है डीएस ग्रुप के द्वारा। तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैं दे दूंगा, वहां पे जाके अप्लाई कर दीजिएगा और फॉर्म भर दीजिएगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जाइए और जाकर वहां मुझे लिखिए, बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको वाकई में ये स्कॉलरशिप का ज़रूरत है। ध्यान से देखिए, वाकई में जिनको ये स्कॉलरशिप ज़रूरत है, यानी कि क्राइसिस वाले लोग हैं, सो प्लीज़ उनको फॉरवर्ड कीजिए और स्कॉलरशिप का उनको फायदा मिलने दीजिए। सो टिल देन, दिस इज विवेक सिंह साइनिंग ऑफ।